कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, पर जो औरों के लिए सोचे वह असल मायने में इंसान होता है। कौन कहता है कि मानवता आज कम हो गई है? आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो मानवता और समाज सेवा से जुड़े हुए तमाम बड़े कार्य कर रहे हैं और जो सभी के बारे में सोचते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़े शहरों में अनाथ की तरह होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग आपको सड़क किनारे, फुटपाथ के किनारे, झुग्गी झोपड़ियों में दिखाई दे जाएं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता, जो उनके रीति रिवाज और उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उनका विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार कर सके। जीते जी उन्हें सम्मान मिल पाया हो या नहीं, पर कम से कम उन्हें मरणोपरांत सम्मान मिल पाए और पूरे विधि विधान से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हो पाए, इसके लिए इंदौर के रहने वाले जयू जोशी ने बेड़ा उठाया है। जयू जोशी अभी तक और उनकी संस्था मिलकर अभी तक 3000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जयू का कहना है कि इस काम को कर उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जयू ये सारे काम कर इंदौर में समाज सेवा के क्षेत्र में अब काफ़ी मशहूर भी हो चुके हैं। जयू को अक्सर किसी ज़रूरतमंद के साथ देखा जाता है। आपको बता दें कि शहर के किसी भी इलाके में अगर लावारिस लाश पड़ी है और उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो जयू वहां पर तत्काल पहुंचकर उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करते हैं। आपको बता दें, जयू यह पूरा जो समाज सेवा का काम है वो अपनी संस्था महाकाल और संस्था सुल्ताने के बैनर तले कर रहे हैं। जयू ने बाकायदा नंबर भी जारी किए हैं, अगर कोई उनसे किसी प्रकार की मदद लेना चाहता है या कोई लावारिस लाश है जिसका अंतिम संस्कार करवाना चाहता है, तो बकायदा नंबरों पर संपर्क कर उन्हें जानकारी भी दे सकते हैं। संस्था सुल्ताने संस्था महाकाल के माध्यम से 1978 से समाज से जो पीड़ित वर्ग है, जो लावारिस है जिनका कोई नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार का कार्य बिना किसी शासन की सहायता से किया जा रहा है। ये एक युवाओं की टीम है। हमारे आदर्श मरहूम कलीम पठान जी ने जो समाज सेवा की जोत हम लोगों में जलाई थी, उसी उद्देश्य पे, उसी राह पे हम सभी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में मेघा दीदी है, प्रदीप जी है, करीम पठान जी है, पंकज कटारिया जी है, प्रियांशु पांडे जी है, ये सभी युवा है। 30-35 साल की हम लोगों की उम्र है। अक्सर देखने में आता है कि इस उम्र में युवा पार्टीज में जाते हैं, पब में जाते हैं, उसका उल्टा हम सारे युवा इन कार्यों में समर्पित है। मेघा दीदी हमारे इन समाज सेवा के कार्यों में स्पेशल रतलाम से आती है। हमारे प्रदीप भी ऑटो चलाते हैं, हमारे पंकज भी छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। मैं खुद फिलहाल देखा जाए तो बेरोजगार हूँ। हमारे करीम पठान जी का भी इतना कोई बड़ा व्यापार नहीं है। हम सभी युवा अपने ग्रुप के माध्यम से राशि एकत्रित करते हैं और जितना हमसे प्रयास होता है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग अभी जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, संस्था सुल्ताने से जुड़ा हूँ, महाकाल का गठन हुआ है, तब से अभी तक हम 3000 से ज्यादा पार्थिव देहों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।